जब बंटवारा हुआ था तब कई चीजें हुई थी। इस बीच उस समय के जूनागढ़ के नवाब भी भारत से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन अब उनके क्या हालात हैं दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। देश के बंटवारे के समय आवाम को पूरी आजादी दी गई, वो जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। काफी लोग पाकिस्तान से भारत आए तो काफी लोग भारत से पाकिस्तान गए। बंटवारे के बाद सबसे जरूरी काम था 500 से ज्यादा रियासतों का विलय करवाना, क्योंकि भारत में केवल रियासतें ही हुआ करती थी। ये कर्तव्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में सौंपा गया। तब जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे, लेकिन उनके राज्य में हिंदू आबादी ज्यादा थी जो चाहती थी कि जूनागढ़ का विलय भारत में हो। जूनागढ़ के नवाब ने कई चालें चली पर हर चाल उल्टी पड़ी। बाद में नवाब मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय रसूल खान जी जिन्ना से एक समझौता करके पाकिस्तान भाग गए। हालांकि कुछ ही सालों बाद पाकिस्तान में उनकी स्थिति खराब हो गई। अब उनके वंशों की हालत खराब है। पाक के कराची शहर में नवाब महाबत खान के तीसरे वंशज रह रहे हैं। पाक में अब नवाब के परिवार वालों को गुजारे के लिए महीने का पैसा तो मिलता है, लेकिन वो चपरासी की वेतन से भी कम होता है। सोचिए कि एक ऐसे राज्य का राजा जो आज पाकिस्तान में रंग से भी बदतर हालत में जी रहा है, जो 56 प्रकार का व्यंजन करते थे, आज उनके पास खाने के लाले पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि नवाब के वंशजों ने आवाज नहीं उठाई। नवाब के परिवार के लोग पाकिस्तानी मीडिया के सामने अपनी बात को बताने के प्रयास में लगे रहे। वो हमेशा कहते हैं कि पाक के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है, लेकिन इस मुल्क ने उन्हें हाशिए पर फेंक दिया। कुछ समय पहले उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर उन्हें पता होता कि पाक जाने के बाद उनका मान सम्मान समाप्त हो जाएगा तो वे कभी हिंदुस्तान नहीं छोड़ते। वो कहते हैं कि जूनागढ़ उस समय हैदराबाद के बाद दूसरे नंबर का सबसे धनवान प्रदेश था। विलय से पहले नवाब अपनी संपत्ति जूनागढ़ में छोड़कर पाक चले आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने जूनागढ़ की संपत्ति के बदले में पाक में संपत्ति भी नहीं मांगी, तब भी पाक में उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान में विलय के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए। वो सपने पाकिस्तान ने दिखाए तो पर निभाए नहीं। जिन्ना ने कई बार इस बात को सच साबित करने की घोषणा भी की थी, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के रूप में सामने आया। 9 नवंबर को भारतीय फौजें जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। तब क्या था, उन्होंने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। इस तरह जूनागढ़ तो आजाद हो गया। हालांकि पुख्ता मुहर 20 फरवरी 1948 को ही लगी, जब वहाँ भारत सरकार ने जनमत संग्रह कराया। कुल 2,01,457 वोटों में से 1,90,870 वोट मिले, जिनमें पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91 वोट ही पड़े। पाकिस्तान का साथ जिसने भी दिया, चाहे वो आजादी से पहले हो या बाद में, सबको पछतावा ही हुआ है। और नवाब के वंशजों की हालत से ये बात तो और साफ हो जाती है। नवाबों ने पाकिस्तान जाने का फैसला तो लिया, लेकिन आज जो उनके हालात हैं वो बयां करने लायक भी नहीं है। ना उनको खाने को मिलता है, ना पैसा है, और सबसे बड़ी बात उनका सम्मान तक नहीं किया जाता। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।